समाजवादी पार्टी की मासिक समीक्षा बैठक शनिवार को जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी की अध्यक्षता में बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुआ, जिसके संबंध में सपा के जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने बताया कि पार्टी के निर्देश के क्रम में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के साथ जनपद के सभी बूथों पर मतदाताओं के नामों को बढ़ाना है, जिसके तहत जनपद के सभी बूथों पर कम से कम 30 नाम बढ़ना है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि घर घर जाकर छूटे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराएं। उन्होंने बताया कि ब्लॉक प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसको देखते हुए रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जनपद में 20 ब्लॉक हैं, उन सभी 20 ब्लॉकों पर पार्टी मजबूती के साथ ब्लॉक प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगी तथा आधा से अधिक सीटों से अपना ब्लॉक प्रमुख बनाएगी। इस अवसर पर सपा नेता अमरेंद्र निषाद, अमित सिंह सैंथवार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ जनपद का कोई नेता अपना विधानसभा में हो या फिर हमारा विधानसभा में, और हमारे विधानसभा में कोई और अन्य पिछड़े खिलाड़ियों को मैं जबरदस्त तरीके से जोड़ सका, और अध्यक्ष जी आपको पहले भी कुछ अन्य पिछड़ी जातियों को लोगों को हम लोग जोड़े थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन मुख्य बात का है कोई बड़ा नेता जिसे आप कहते हैं समझा जाए, निर्देशन दिया जाए, पहुँचा के हमारे विधानसभा में लगातार हम लोग मुद्दे पे काम कर रहे हैं, खोलने का काम कर रहे हैं, ये हम लोग पार्टी में बताते हैं। अभी देखिए बैठक क्या है, हम लोग कुछ सीमित लोग बैठे हुए हैं, पार्टी के जिम्मेदार लोग जो चुनावी चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। चुनावी चर्चा के साथ साथ पार्टी का दिशा निर्देश आया था कि वोटर लिस्ट बढ़ने हैं, जिसमें हर बूथों पे कम से कम 30 नाम बढ़ना है, तो उसमें हम लोगों को निर्देश था कि बूथ लेवल पे हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को डायरेक्शन दें कि जब भी वो बढ़े तो सिस्टम से जिनकी उम्र हो चुकी हो वहाँ हम लोग अपने जो लोग हैं जिनका नाम नहीं बढ़ पाया है उन लोगों का नाम बढ़वाएँ। और बाकी आप देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग दो चार प्रमुख लोग बैठे हुए हैं एक चर्चा करने के लिए कि हम लोग कैसे कैसे किन परिस्थितियों में किस रणनीति के तहत लड़ें, क्योंकि गोरखपुर जनपद में 20 ब्लॉक है और समाजवादी पार्टी 200 ब्लॉक पे लड़ेगी, और हमें पूरा भरोसा है कि आधा से ज़्यादा हम लोग अपना ब्लॉक प्रमुख जीतेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष का भी इलेक्शन है, जो पूरा उम्मीद है जहाँ जहाँ हम लोग गए जिला पंचायत सदस्यों ने कहा है कि हर हाल में हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताने का काम करेंगे, और आने वाले 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा और लोगों ने भरोसा भी दिलाया है कि गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष हम समाजवादी पार्टी का बनाएंगे, और आने वाले दिनों में गोरखपुर से अधिक समाजवादी पार्टी के विधायक जीत करके यहाँ से जाएंगे, लोग ऐसा भरोसा दिला रहे हैं।